Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. सबका दर्श में कुछ ईमान इस्लाम वगैरह के ताल्लुक से बातें हुई थी, उसके बाद सनद पर गुफ्तगू चल रही थी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के यहां बड़ी इल्मी बारीकी थी, सनदों में के साथ इस बात का उन्होंने लिहाज रखा है। उसमें से पहली बात आपके सामने यह रखी गई थी कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हद्दसनी और हद्दसना में फर्क के कायल हैं, जैसा कि हद्दसनी अबू खैतमा और उसके बाद हद्दसना वकी से साबित है। अब उसके बाद वकी के बाद कहमस है, उनके बाद अब्दुल्ला बिन बुरैदा है, उनके बाद यहिया बिन यामर या यामो, मीम को फतहा और दम्मा दोनों पढ़ा जाता है, और ये गैर मुनशरिफ बदने फेल और आलम होने की वजह से। उसके बाद हा हा, ये तहवील का मुखफ्फफ है, इसको हा पढ़ा, तहवील का मुखफ्फफ है। हव्वला युहव्विलु तहवीलन, यानी ये सनद अब मुंतकिल हो रही है दूसरे शेख की तरफ। इमाम मुस्लिम के पहले शेख अबू खैतमा ज़ुहैर बिन हर्ब हैं, और उनके शेख फला 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 ऐसे ऐसे, और दूसरे शेख हैं इस हदीस की समात जिससे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने की, वो उबैदुल्लाह बिन मुआद अंबरी है, और उनके शेख उनके बाप यानी मुआद है, उनके शेख मुआद के शेख कहमस, उनके इब्ने बुरैदा, उनके यहया बिन यहया। ये हदीस इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह दो सनदों से अपनी दो मशाइख से रिवायत कर रहे हैं। यहां कट तो नहीं गया बाबू? हेलो, जा रही हूँ। अच्छा, आ रही आवाज है, अच्छी बात। तो पहली हदीस है, दो सनदों से इस हदीस का जिक्र कर रहे हैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह। तो एक कायदा आप जाने रखिएगा, तहवील के बाद दोनों सनदें जिस शख्सियत पर जिस शेख पर मिलती हैं उसे मदारे तहवील कहते हैं, यानी दोनों सनदें फला शख्स पर मिल रही हैं। तो आप देखेंगे तो पहली सनद में वकी के बाद कहमस है, और दूसरी सनद में मुआज के बाद कहमस है। गोया कहमस ये मदारे तहवील हो गई, नहीं पर दोनों सनदें मिल गई। अब कायदा यह है कि दोनों सनदें जिस शख्सियत पर मिल रही है उनसे पहले वाली शख्सियत का जिक्र करके पहली सनद छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद दूसरी सनद बयान करते हुए उस शख्स का जिक्र करना चाहिए, मसला कहमस का। तो जो लोग इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की इल्मी बारीकी के बारीकी को समझते नहीं है वो एतराज करते हैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह पर। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को पहली सनद वकी पर छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, कि तहवील के बाद दूसरी सनद जिक्र करते
दर्जे में वास का जिक्र करते हैं और उसके बाद जैसा कि दूसरी सनद में है कहमास और अब्दुल्ला बिन मुरैदा और यहया बिन यामन। फायदा इसका क्या होता कि इबारत लंबी नहीं हो, कहमास अब्दुल्ला बिन मुरैदा और यहया बिन यामन तीन नामों से छुट्टी मिल जाए, इबारत मुख्तसर हो जाती है। ये एतराज करने वाले एतराज करते हैं इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का। उसका जवाब यह है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इबारत खामखा लंबी नहीं की है, बल्कि ये इल्मी फायदे और इल्मी बारीकी के तहत किया है। वो इल्मी बारीकी ये है कि पहली सनद में इमाम वकी अपने शेख अहमद से सेगे अन से रिवायत कर रहे हैं, जबकि दूसरी सनद में मुआज अपने शेख अहमद से हदसना की सेगा से रिवायत कर रहे हैं। और मुकदमा मुस्लिम की जो तलखीस मैंने आपको भेजी है उसमें आपने आखिर में पढ़ा होगा तो जहन में होगा कि मुदल्लिस रावी का आनाना सिरे से मकबूल नहीं होता, लेकिन अगर रावी मुदल्लिस नहीं है गैर मुदल्लिस है तो उसके आनाना के बारे में इख्तलाफ है इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी वगैरह मुहद्दिसीन का। तो गोया गैर मुदल्लिस के आना के बारे में इख्तलाफ है और हदसना और समीना या हदसनी और समीनी समीतों का सेवा जहां इस्तेमाल करेगा मुहद्दिस उसमें कोई शुबहा नहीं है, उसको सबके सब कबूल कर। तो इमाम वकी ने अलकामस कहा है और मुआज ने हदसना कहमस कहा है। अगर पहली सनद में कहमस का जिक्र ना करते और दूसरी सनद के बाद कहते हदसना कहमस तो गलत हो जाता। क्या गलती होगी कि आदमी समझता कि कहमस से रिवायत करने वाले दोनों शागिर्द पहली सनद के वकी और दूसरी सनद के मुआज दोनों शागिर्दों ने हदसना कहमस कहा, जबकि ऐसा नहीं है। पहले शेख वकी ने अनका सेगा इस्तेमाल किया है और दूसरे शेख मुआज ने हदसना का सेगा इस्तेमाल किया। तो हदसना फिर इत्तेफाक समा पर तलावत करता है और अन्य ये एहतमाली सेगा है। इस फायदा के तहत वकी के बाद अन कहमस कहा। अब यही सवाल दूसरे रावी अब्दुल्ला बिन बुरैदा के बारे में एतराज करने वाले करते हैं कि चलो इस फायदा के तहत तो अन कहमस कह दिया और दूसरी सनद में हदसना कहमस कर दिया, कोई बात नहीं। तो कहमस पर हदसना तो रोक देते पहली बार और आगे बढ़ते तो हदसना कहमस के बाद फिर अब्दुल्ला बिन बुरैदा का जिक्र आता। लेकिन यहां भी वही इल्मी बारीकी है, क्या है कि पहली सनद में कहमस ने अपने शेख अब्दुल्ला बिन बुरैदा से अन का सेवा इस्तेमाल किया है और अब्दुल्ला बिन बुरैदा का यानी अपने शेख का नाम और उनकी वलदियत दोनों ही गई, जबकि दूसरी सनद में वही कहमस अपने शेख अब्दुल्ला बिन बुरैदा से आने मिले बुरैदा के सेवा से रिवायत कर रही, यानी नाम नहीं लिया है शेख बल्कि बुरैदा के बेटे का। अब बुरैदा के बेटे अब्दुल्ला भी हैं, उनके एक बेटे और मशहूर हैं वो भी मुहद्दिस हैं, तो कौन बेटे मुराद होते, अब्दुल्ला बेटे या उनके दूसरे भाई। इसलिए पहली सनद में कहमस ने अन अब्दुल्ला इब्ने बुरैदा
उसका जिक्र कर दिया ताकि कंफर्म हो जाए कि ये तहमस अपने जिस शख्स से जिस इब्ने कुरैज़ा से रिवायत कर रहे हैं वो अब्दुल्ला नाम के हैं। और अगर पहले अब्दुल्ला इब्ने कुरैज़ा ना कहते दूसरी जगह अली इब्ने कुरैज़ा कहते तो वही इज्तिमा हो जाता कि यहाँ कौन मुराद है। और अगर पहले वाला सेगा इस्तेमाल कर लेते यानी अब्दुल्ला इब्ने कुरैज़ा तो फिर इमाम मुस्लिम पर एतराज होता कि वो अपने शहर झूठ की निस्बत कर रहे हैं क्योंकि जिसने अब्दुल्ला कहा है उसके लिए तो ठीक है अब्दुल्ला इब्ने कुरैज़ा और जिसने इब्ने कुरैज़ा कहा है उसकी तरफ झूठ की निस्बत हो जाती। तो यहां भी वही इल्मी बारीकी है कहमस ने यहां अपने शेख का नाम और वल्दियत दोनों जिक्र करके रिवायत किया है। और दूसरी सनद में जो उबैदुल्ला बिन मुआज़ अंबरी से चल रही है उसमें कहमस ने अपने शेख से बगैर नाम लिए इब्ने कुरैज़ा करके रिवायत किया है। इसमें भी इल्मी बारीकी है। यही सवाल यहया बिन यामर पहली सनद में अन यहया बिन यामर और दूसरी सनद में अन यहया बिन यामर यहां भी इश्काल पैदा होता है। तो यहां कहने वाले का कहना यह है कि दोनों जगह अंतर्गत है, दोनों जगह यहया बिन यामर है यानी रावी का नाम भी है वलदियत भी है। तो कम से कम अब्दुल्ला बिन कुरैज़ा पर सनद को रोक देते पहली बात, और दूसरी बात दूसरी सनद में अली बिन कुरैज़ा अन यहया बिन यामर कहते तो कम से कम एक नाम से तो छुट्टी मिल जाती है। लेकिन ये एतराज मौजूदा नुस्खा पर बजा है। आपकी सनद में आपकी किताब में दोनों जगह अन यहया बिन यामर है ना जी? हाँ जी सर। तो इसे इस बिना पर ये एतराज बजा है ठीक है। लेकिन बाद नुस्खों में सही मुस्लिम के बाद नुस्खों में पहली सनद में अन यहया रखा है वल्दियत नहीं है और दूसरी सनद में अन यहया बिन यामर यानी रावी का नाम और उसकी वल्दियत दोनों है। उस नुस्खे की बिना पर जिसमें पहली सनद में खाली यहया है और दूसरी सनद में यहया बिन यामर है यहां भी वही इल्मी बारी की है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के नजदीक। क्योंकि अगर एक ही सेवा कहते अन यहया बिन यामर तो जिस शेख ने खाली यहया कहा है तो उसकी तरफ गलत बात की निस्बत हो जाती कि इब्ने कुरैज़ा ने अपने शेख का सिर्फ नाम जिक्र किया है पहली सनद में तो इमाम मुस्लिम ने उनकी वल्दियत भी जिक्र कर दी है ये गलत किया है। तो इस वजह से दोनों जगह यह अन यहया बिन यामर कहा है पहली सनद में पहली बाद नुस्खों के एतबार से जिसमें खाली अन यहया है पहली सनद में उसके लिहाज से इनमें बारीकी है। और अगर दोनों जगह अन यहया बिन यामर है तो इसमें कोई बारीकी नहीं है तब ये इतराज बजा होता। ये सनद की बारी चार चार जमीन इल्मिया हुआ सनद के अंदर। उसके बाद कहा है दूसरी सनद में कहा है हदसना उबैदुल्लाह इब्न मुआज़ अल अंबरी वहादा हदीस हूं। इसमें भी इल्मी बारीकी का बयान मकसूद है। इसमें यह इल्मी बारीकी है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हादा हदीस हूं से यह बताना चाहते हैं कि मेरे दोनों शुयूख पहली सनद के अबू खैसमा ज़ुहैर बिन हर्ब दूसरी सनद के शेख उबैदुल्लाह बिन मुआज़ अंबरी दोनों इस हदीस की रिवायत कर रहे हैं। लेकिन ये हदीस के अल्फाज जो मैंने यहां जिक्र किए हैं आगे ये अल्फाज मेरे शेख उबैदुल्लाह बिन मुआज़ अंबरी के हैं। इसका मतलब ये हुआ पहले शेख के यहां हो सकता है अल्फाज में थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो।
कहीं इसी बात को कहते हैं वल्लभ लहू, रावी का जिक्र करके कहते हैं वल्लभ लहू, दोनों का मफहूम एक ही होगा, हादा हदीसुहु कहे या कहे वल्लभ लहू। क्या मतलब इसका? यानी मैंने यह हदीस अपने दो शुयूख से सुनी है, लेकिन हदीस के ये अल्फाज जो मैं यहां जिक्र कर रहा हूं मेरे दूसरे शेख उबैदुल्लाह बिन मुआद अंबरी के हैं। ये मतलब हुआ आधा हदीस, ये उनकी हदीस है, लफ्ज़ी माना हुआ ये उनकी हदीस है, यानी हदीस के ये अल्फाज इनके यानी उबैदुल्लाह बिन मुआद अंबरी के हैं। ये भी इल्मी बारीकी है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह रिवायत बिल्लफ्ज़ का बड़ा एहतमाम रखते थे, इसी वजह से इस किस्म की इल्मी बारीकियां इनके यहां आती रही। आगे कहते हैं काला काना अल्प वाला मन काल फिल कदर बिल बसर मापक अल्पनी हो। अब वो ये काला की खबर है और मापक जोहनी ये उसका इस्म है, और कदर और कदर यानी दाल के फतहा के साथ भी है और दाल के सुकून के साथ भी है, कदर और कदर, कदर और कदर यानी तकदीर। तकदीर का इकरार करना, तकदीर को साबित मानना, तो तकदीर के सिलसिले में अहले हक यानी अहले सुन्नत वल जमात का मजहब अलग है और मुसलमानों में एक फिरका ऐसा है जो तकदीर का मुनकिर रहा है, उसको कदरिया कहते, उसका नाम है कदरिया। तकदीर का मतलब क्या हुआ? तकदीर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने समाने कदीम में चीजों की मखलूकात की पैदाइश से पहले ही अपने इल्म की बिना पर लोगों की अच्छाई और बुराई लिख दी है, और अपने इल्म की बुनियाद पर जो बातें अल्लाह ताला ने लिख दी हैं उनके एतबार से चीजें मुख्तलिफ अवकात में अपने मालूम वक्त में और मखसूस सिफात में वकूअ पज़ीर होती हैं, इसी को तकदीर कहते हैं। और अहले हक यानी अहले सुन्नत वल जमात इस बात को साबित मानते हैं कि अल्लाह ताला को मखलूकात की पैदाइश से पहले अच्छाई बुराई नेकी खराबी रोगी और दूसरी तमाम चीजें मालूम थी, उनके एतबार से अल्लाह ताला ने लिख दिया और उसके लिखने के एतबार से उसके इल्म के एतबार से वो चीजें वकूअ पज़ीर होती हैं। इनके मुकाबले में कदरिया जो फिरका है वो इसका इनकार करता है, उसका कहना यह है कि मखलूकात की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला को किसी चीज का इल्म नहीं था, अल्लाह को किसी चीज का इल्म नहीं, बल्कि जब चीजें वकूअ पज़ीर होती हैं तब अल्लाह ताला का एक इल्म होता है। कैसे? जैसे कोई चीज दुनिया में होती है, कोई आदमी पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, या कोई आदमी मरता है तो उसका इल्म हमको होता है, यानी वकूअ पज़ीर होने के बाद होता है, मरने के बाद या पैदाइश होने के बाद हमको इल्म होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला का इल्म भी है, वो इल्म कदीम के अल्लाह के लिए इल्म कदीम के कायल नहीं है,
बगीर होती है तो अल्लाह ताला को इल्म होता है, जैसे हमें इल्म होता है किसी चीज के वक्त बगीर होने के बाद। ये कदरिया का ये अकीदा, कदरिया का ये कौल बातिल है। किताब सुन्नत की बहुत सारी दलीलें हैं जिनसे साबित होता है कि अल्लाह ताला को पहले से सारी चीजों का इल्म था। अब इस जमात का, इस ताइफा का नाम कदरिया क्यों पड़ा? तकदीर का इनकार करने की वजह से इस जमात का नाम कदरिया पड़ गया। इमाम इब्ने कुतैबा और अबुल मआली इमामुल हरमैन ये इसी कुनियत और लकब से मशहूर है, अबुल मआली इमामुल हरमैन। इनका नाम है अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्ला अल जुवैनी, कहीं कहीं अबुल मआली जुवैनी कहते हैं, कहीं इमामुल हरमैन अल जुवैनी कहते हैं। ये सब एक ही शख्सियत है, अबुल मआली अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्ला अल जुवैनी इमामुल हरमैन। उनकी मशहूर किताब है अल इरशाद फी उसूल दीन, उसमें वो कहते हैं कि बाब कदरिया एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि हम कदरिया नहीं है, बल्कि तुम जो तकदीर का इस बात करते हो तुम कदरिया, हम कदरिया नहीं है क्योंकि हम तकदीर को मानते ही नहीं, लिहाजा तुम्हें हमें कदरिया नहीं कहना चाहिए बल्कि अपने आप को कदरिया कहना चाहिए। इस बात का जिक्र करने के बाद दोनों यानी इमाम इब्ने कुतैबा और इमामुल हरमैन दोनों कहते हैं कि ये इन लोगों की मुलम्मा साजी और इनकी जहालत है और मामले को मुश्तबह करने का तरीका है उनका, कि इस किस्म की बात कह करके हम पर एतराज करते हैं, इसलिए कि जो अहले हक हैं अहले सुन्नत वल जमात हैं वो अपने सारे मामला को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करते हैं और तकदीर और अफ़आल को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं। लिहाजा उनका इस किस्म का सवाल करना ये गलत है, बातिल है। तो ये गुफ्तगू हो गई तकदीर से मुताल्लिक। इबारत देखिएगा, काना अव्वल मन काला फिल कदरी बिल बसरा बाबत अल जुहनी। बसरा में ये शहर का नाम है जानते हैं आप, बसरा में बातो फतहा दम्मा कसरा तीनों तरह पढ़ते हैं, बसरा तीसरा दूसरा और एक अलिफ मकसूरा के साथ आता है दूसरा, उसमें बातो दम्मा ही रहेगा। लेकिन यहां जो आपकी किताब में है वो बसरा भी पढ़ सकते हैं, दूसरा भी पढ़ सकते हैं, तीसरा भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जिसने तकदीर के मामले में बसरा के अंदर कहा यानी कलाम किया, तकदीर पहला शख्स जिसने तकदीर के मामले में बसरा के अंदर कलाम किया वो मामत जुहनी है, जुहनी जुहैना की तरफ निस्बत है। अब कहते हैं कि फंतलक को आना वो हमें इब्न अब्दुल रहमान अल हमी अली और हाथ जैन मोतमिर तो चला मैं और हमैद बिन अब्दुल रहमान अल हिमयरी कहा गए हाल जेने और मोतमरेने। यह हाल है इस हाल में कि हम दोनों हज करने का इरादा रखते थे या उमरा करने, यानी हज या उमरा का सफर था। ये यहया बिन यामर कह रहे हैं, यहया बिन यामर कह रहे हैं फन तलक तो आना वह हमैद बिन अब्दुल रहमान, इनके दोस्त हैं ये दोनों यहया बिन यामर और हुमैद बिन अब्दुल रहमान हिमयली, हिमया मशहूर कबीला था उसी की तरफ निस्बत है। चला मैं और हुमैद बिन अब्दुल रहमान हिमयली इस हाल में कि हम दोनों हज करने या उमरा करने वाले थे। अब सनद के साथ मैं इतने का तर्जमा करा देता हूं, सनद का तर्जमा हर जगह नहीं होगा इसलिए तर्जमा
अच्छी तरह जहन में रखिएगा। सेगा की रियायत करते हुए तर्जमा मैं करूंगा और आपको भी उसी तरह से सेगा की रियायत करते हुए तर्जमा करना पड़ेगा। ताला मुकद्दर है उसका तर्जमा भी करूंगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हदीस बयान की मुझसे अबू खैतमा बुहैद बिन हर्ब ने, उन्होंने कहा देखिए ताला ताला हर जगह मुकद्दर है उसका तर्जमा होगा। उन्होंने कहा कि हदीस बयान की हमसे वकी ने, वो रिवायत करते हैं कहमत से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन बुरैदा से, वो रिवायत करते हैं यहया बिन यामर से। सनद तहवील हो गई। आला वहद दसरा उबैदुल्लाह इब्न मुआद अल-अंबरीयो और हदीस बयान किया गया, वहां पहली सनद थी तो वहां हदसनी अबू खैसमा कहा था, अब यहां कह रहे हैं वह हदसना उबैदुल्लाह, अबू खैसमा ने हदीस बयान की मुझसे और हमसे हदीस बयान की उबैदुल्लाह बिन मुआद अंबरी ने। मुस्लिम ने हदीस थी तो अकेले नहीं थे, इनके साथ और कुछ साथी थे, इसलिए हदसना से बयान किया है। वहां हदीस और ये उनकी हदीस है, यानी हदीस के ये अल्फाज इनके उबैदुल्लाह बिन मुआद के हैं। उन्होंने कहा उबैदुल्लाह ने कि हदीस बयान की हमसे मेरे बाप, हदीस बयान की हमसे हमारे बाप करने का तर्जमा तो भी गलत होगा, हदीस बयान की मुझसे मेरे बाप ने तो भी गलत होगा। तर्जमा करेंगे हदीस बयान की हमसे मेरे बाप, बाप उनका उनके जो है मुआद है, इसलिए नाम नहीं जिक्र किया। उन्होंने कहा यानी मुआद ने कहा कि हदीस बयान की हमसे कहमस ने, वो रिवायत करते हैं इब्ने बुरैदा से, वो रिवायत करते हैं यहया बिन यामर से। उन्होंने कहा कि पहला शख्स जिसने तकलीफ के बारे में कलाम या बसरा के अंदर वो मावत जहनी था। अब मावत जहनी से तकलीफ के सिलसिले में गुफ्तगु सुन करके अब ये जा रहे हैं हज या उमरा के लिए। कहते हैं कि गया मैं और हुमैद बिन अब्दुल रहमान हिमेरी हज करने, इस हाल में कि हम दोनों हज करने वाले या उमरा करने वाले थे। फकुल्ला तो हमने कहा, यानी दोनों साथियों ने आपस में तय किया क्या, लौ लकीना अहदम मिन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हम मिले किसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब में से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब में से अगर हम किसी से मिले, हमारी मुलाकात हो, फसअल्लाहुम्मा यकूलु हाउलाए फिल क़दर, फिर सवाल करें हम उनसे यानी सहाबी रसूल से उस चीज के बारे में जो लोग ये लोग यानी तकदीर के मुनकरीन कहते हैं तकदीर के सिलसिले में, तो अच्छी बात है। यानी हम हज या उमरा करने के लिए चल रहे हैं, अगर हमारी मुलाकात किसी सहाबी से हो जाए और हम उनसे तकदीर के मसले में पूछ लें तो अच्छी बात है। सहाबी के सिलसिले में उलमा के मुख्तलिफ अकवाल हैं सहाबी की तारीफ के सिलसिले में। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बड़ी जामे और माने तारीफ की है, आपने पढ़ी होगी कि सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की और उसी पर उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी। जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की और उसी पर उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी है। खात्मे वाली बात इसलिए जरूरी है, बहुत से लोग इस्लाम लाए थे लेकिन मुर्तद हो गए, इस्लाम से बर्खास्ता हो गए, इसलिए सहाबी का लकब उनको नहीं मिलेगा। सहाबी की किताब सुन्नत के अंदर जो फजीलतें बयान की गई हैं उनका वो मुस्तहिक नहीं होगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिलन अल-मस्जिद,
मुझसे
फसीह जबान वाला है, उसकी जबान में सलासत है, रवानी है, तेजी है, इसलिए उसको मेरा साथी बना दीजिए। तो इनके अंदर तलाकत लसानी थी। फकुल तो अबा अब्दुल रहमान, हो सकता है बाद उसको में हर्फ नेदा अब्दुल रहमान है, हर्फ नेदा मुकद्दर होने की वजह से यहां अबा अब्दुल रहमान मंसूब है। तर्जमा करेंगे हर्फ नेदा का। तो मैंने कहा अय अबू अब्दुल रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह हो हमारे जिहाद में, हमारे इलाके में यहाँ केवल है, केवल तुम्हारे जिहाद इसको कब उड़ना पड़ेगा। बेशक जाहिर हुए है हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग जो कुरान पढ़ते हैं, यानी हमारे इलाके में कुछ लोग हैं जो कुरान भी पढ़ते हैं और इल्म की तलब में रहते हैं, इल्म ढूंढते रहते हैं, वह पढ़े लिखे लोग हैं। वो ये तर्जमा हुआ था पहले था पहले है और काफ बाद में, क्या होगा या का फा, या का फा, फा पहले, उसका माना होगा यब हत्तान गामिदिल इल्म वयस्तखरिजूना खफीयहू, वो इल्म की बारीकियां ढूंढते हैं, इल्म जो पोशीदा रहता है उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। बहरहाल लफ का फर्क होगा, मफहूम दोनों का एक ही होगा, तो वो इल्म वाले हो गए। वगैरह मिन शानिहिम, शान माने हाल मामला, करर रावी मिन शानिहिम, और रावी ने उनका हाल जिक्र किया। अब ये जकरा का फाइल तो मुकद्दर है, जमीर है जकरा रावी, और रावी कौन है, वही यहया है। अब ये कह कौन रहा है, वह जकरा बिन शानिहिम, यहया के नीचे जो रावी है उनमें से किसी का मकूला है ये, और गालिब गुमान ये है यहया के जो शागिर्द है अब्दुल्ला बिन बुरैदा है उनका कलाम है। इब्ने बुरैदा कह रहे हैं और मेरे शेख यहया ने जिक्र किया उनके हाल को, उनके मामला को, यानी तकदीर के सिलसिले में जो उनकी उनका अकीदा है उसका जिक्र किया। वह अन्य दोनों अल्लाह का दरा, और इस बात को भी जिक्र किया कि वो लोग गुमान करते हैं कि तकदीर नहीं है, तकदीर नहीं है मतलब यही है कि अल्लाह ताला को पहले से किसी चीज का इल्म नहीं है और अल्लाह ताला ने पहले से कोई चीज नहीं लिखी है, जब चीजें वक्ू कबीर होती हैं तब अल्लाह को उसका इल्म होता है, और वो इस बात का गुमान करते हैं कि ये तकदीर कुछ नहीं है। वअन्नल अमरा उनफुन अय मुस्तानिफुन, और मामला नया नया है, मामला नया होने का मतलब यही है कि पहले से तकदीर कुछ नहीं लिखी हुई है, अल्लाह को पहले से किसी चीज का इल्म नहीं है, जब चीजें वक्ू कदीर होती हैं, वजूद में आती हैं, तब अल्लाह को नया नया इल्म होता है, जैसे इंसानों को नया नया इल्म होता है। तब कहा, उन्होंने कहा पर
उसको में फताला है, बात का काला है। जब ये फैल अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ लौट रही है तो उन्होंने यानी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा फैदा लकीता हा उलाए उलाए का फाखबिर हम अन्नी बरी मिनहुम व अन्नहुम बराउ मिन्नी। क्या कहा? कहा कि जब तुम मिलना उन लोगों से, यानी दोबारा जब उन लोगों के पास जाना जो तकदीर के मुनकिर हैं, तो उन्हें इस बात की खबर दे देना कि मैं उन लोगों से बरी हूं, वहां न हम बुरा होंगे और बेशक वो लोग मुझसे बरी। यानी जब वापस जाना तो उनको बता देना उमर का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं और तुम्हारा अब्दुल्ला बिन उमर से कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं है। यहां शरीयत का एक अहम मसला और बुनियादी मसला वला और बरा का जिक्र आ गया है। वला और बरा, मतलब तुम इसको सुन लीजिए। वला और बरा, वला का मतलब होता है मोमिनीन से मोहब्बत और दोस्ती रखना और काफिरों से बुग्ध रखना, उनसे दुश्मनी रखना और उनसे और उनके दीन से बराअत का इजहार करना, इसको कहते हैं वलला और बरा। पहली चीज यानी हमारी और आपकी मोमिनों से मोहब्बत होनी चाहिए, मोमिनों से हमारी दोस्ती होनी चाहिए, इसको वला कहा जाएगा। और गुफ्तगू का दूसरा जुज यानी काफिरों से बुग्ध रखना, उनसे दुश्मनी रखना, उनसे और उनके दीन से बरात का इजहार करना, ये बरा कहलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. سورة ممتحنة آية نمبر 4 آية وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا اس میں جو ہے ولا اور براء کا ولا اور براء کا अकीदा बयान किया गया है। वला ये जरूरी है यानी अहले ईमान से दोस्ती और उनसे मोहब्बत जरूरी है और कुफ्र और शिर्क बिदात और खुराफात करने वालों से बराअत जरूरी है। तो सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमाईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।